हेलो भाइयों, कार से प्यार की एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाइयों, सब कहते हैं कि जो डीजल इंजन होता है उसमें ज़्यादा टॉर्क होता है, जो कि एकदम सच है। हाँ, डीजल इंजन जो होता है वो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टॉर्क मतलब खींचने की क्षमता कार को, है ना। तो देखेंगे आज हम, जैसे मेरी ये पेट्रोल बलेनो है, बलेनो डीजल में नहीं आती है। तो भाई देखते हैं कि पेट्रोल जो गाड़ी होती है ये, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए पूरी चढ़ाई है, ठीक है। तो मैं ये आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये पहले गियर में या फिर एक्सीलेटर ना लिए सिर्फ फर्स्ट गियर में ये देखते हैं कि ये कैपेबल है कि नहीं, ये चढ़ पाती है कि नहीं। तो भाइयों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको को कहना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है प्लीज़ भाई, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आज मैं जहाँ भी हूँ आप लोग की वजह से हूँ, थैंक यू भाई। चैनल में 150 सब्सक्राइबर बस कंप्लीट ही होने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ भाई बहुत मोटिवेशन मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई देखिए, जैसे हम लोग ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, ठीक है, ये HUD अपना खुल चुका है। तो एक सेकेंड, तो भाई देखिए, जैसे ये आप मेरा पैर देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट गियर है, ठीक है। तो मैं भाई, तो यहाँ से मैं ले करके चलता हूँ। ठीक है, तो भाई जैसे अब आप देखिए यहाँ से मैं बना रहा हूँ, तो मैं भाई सिर्फ अभी क्लच छोड़ूंगा, ठीक है। और आप देखिएगा ये वही रास्ता है। तो भाई देखिए ये गाड़ी अपनी चढ़ चुकी है ना। तो भाई इसमें आपको मतलब एक्सीलेटर भी लेने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी और गाड़ी मेरी चढ़ गई। तो भाई मैं आप लोग को एक बार फिर से मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, ठीक है। ये फिर से मैं गाड़ी को लेकर, अब भाई एक बार रिवर्स में भी करके देखते हैं कि अपनी गाड़ी रिवर्स में उठा पा रही है कि नहीं। और इसमें क्या है भाई, थोड़ा सा एक्सीलेटर देना पड़ेगा। और भाई रोड वही है, वही चढ़ाई है। अब देखिए बस थोड़ा सा एक्सीलेटर ले रहा हूँ और देखिए बड़े प्यार से, अब देखिए RPM अभी तक 1000 ही है। तो भाई बड़े प्यार से ये गाड़ी चढ़ गई। तो भाई देखिए यहाँ से भले समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन भाई अगर आप इसको हमारी यार देखिए फिर से एक बलेनो जा रही है। तो भाई देखिए ये बहुत, यहाँ पे पूरा बालू थी, ठीक है। तो आप देखिए यही वो रास्ता था जहाँ से गाड़ी अभी रिवर्स भी हुई और जो फॉरवर्ड भी गई। तो आप देखिए भाई ये बहुत ज़्यादा ही कुछ है। तो भाई आज की वीडियो यही थी। तो मेरे को दिखाना था कि इसमें मतलब इसका जो पावर है, ये बिना एक्सेलरेट किए सिर्फ गियर आप सिर्फ क्लच छोड़े ये गाड़ी कैपेबल है कि नहीं। तो हाँ भाई, मेरे को तो नहीं लगा था कि गाड़ी कैपेबल है, तो भाई ये गाड़ी कैपेबल है ना। तो भाई मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।